फतेहाबाद में रात को आए तेज अंधड़ के दौरान लाजपत पार्क का पेड़ सड़क पर जा गिरा। इसी दौरान सड़क पर स्कूटी से जा रहे दंपति पेड़ की चपेट में आ गए, जिससे दोनों चोटिल हो गए। लोगों ने उन्हें तुरंत पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। टोहना के दमकोरा रोड पर भी एक पेड़ दो मकान पर जा गिरा। आंधी के कारण रात को बिजली व्यवस्था भी प्रभावित रही। रात 9 बजे गुल हुई बिजली आधी रात के बाद बहाल हो पाई। जानकारी के अनुसार राजस्थान की तरफ से आया तेज अंधड़ रफ्तार के साथ सिरसा होते हुए फतेहाबाद की तरफ बढ़ा। इसी दौरान फतेहाबाद के लाजपत पार्क में लगा बड़ा पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गया। उसी समय एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जवाहर चौक से पुराना बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। अचानक से पेड़ स्कूटी पर ही आ गिरा। आसपास खड़े लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और पास के ही अस्पताल में ले गए। पति पत्नी को सिर में काफी चोटें लगी। लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। वहीं कुछ घंटों तक पेड़ सड़क पर ही पड़ा रहा और स्कूटी उसके नीचे दबी रही। लोगों ने बताया कि रात को जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सड़क खाली थी। दिन भर यहाँ सब्जी फ्रूट की रेड़ियाँ लगती हैं और काफी चहल पहल यहाँ रहती है। वाहनों का काफी आवागमन भी रहता है। 8 बजे तक पूरा जमघट यहाँ रहता है। यदि 8 बजे से पहले यह पेड़ गिरता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। गनीमत रही कि सड़क खाली थी। इधर टोहना के दमकोरा रोड पर एक गैस एजेंसी में खड़ा सूखा दरखत रात 1:30 बजे अंधड़ के चलते साथ लगते दो मकानों पर जा गिरा। एक मकान की मुंडेर ढह गई तो वहीं दूसरे मकान की छत गिर गई। जिस समय छत गिरी उस समय मकान मालिक दंपति कमरे में ही सोए हुए थे। गनीमत रही कि वे बाल बाल बच गए। घटना के बाद उन्होंने पड़ोसियों के घर सोकर रात गुजारी। लोगों का कहना है कि दरखत काफी पुराना और सूखा हुआ था, जिसको काटने के लिए वे कई बारी गैस एजेंसी संचालकों को कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज उनका नुकसान हो गया। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान खरीदे जा रहे गेहूं के गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए पत्र लिखा है। दुष्यंत ने कहा कि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। मार्च 2023 में कटाई से ठीक पहले बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे हरियाणा में खड़ी फसलों को चौपट कर दिया है। दुष्यंत ने कहा कि भारी बारिश के कारण गेहूं की फसल की चमक खराब होने के संबंध में प्रमुख खरीद जिलों कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, जिंद और यमुनानगर से रिपोर्ट ली गई है। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाली बारिश और ओलावृष्टि से उत्पादन कम हो सकता है और अनाज की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रबी विपणन सीजन 2023-24 के दौरान खरीदे जा रहे गेहूं की गुणवत्ता मानदंडों में छूट प्रदान करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।